इलाइट स्टडी प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में डिस्कशन करेंगे हिमाचल प्रदेश में गवर्नमेंट जॉब से संबंधित क्या क्या अपडेट है और आज कौन कौन सी वैकेंसीज के लिए एडवर्टीजमेंट जारी हो सकती है। तो आपको सबसे पहले बता दें, जैसा कि आपको ज्ञात है कि हिमाचल प्रदेश में 4000 शिक्षकों की भर्ती हो रही है। काफ़ी बड़े ग्रुप को इंतजार है कि आखिर उसकी एडवर्टीजमेंट जारी कब की जाएगी। जैसा अनुमान लगाया जा रहा था कि इस हफ्ते वो एडवर्टीजमेंट जारी होगी, सोमवार या मंगलवार तक। तो ऐसा अनुमान है कि हो सकता है आज एडवर्टीजमेंट जारी हो जाए। असिस्टेंट प्रोफेसर की बिल्कुल क्लियर कट है, उसमें किसी तरह की कोई दिक्कत का काम नहीं है। बस अब एचपीपीएससी शिमला को ही उसके ऊपर काम करना है। जो भी उनकी प्रक्रिया रहती है, डिपार्टमेंट ने जो शिक्षा विभाग है उसके द्वारा जितनी भी फॉर्मेलिटीज थी वो सबमिट करवा दी गई है। विभिन्न तरह के समाचार पत्रों में खबर भी प्रकाशित हो चुकी है। तो आप एक या दो दिनों का इंतजार कीजिए। बहुत से अभ्यर्थियों की कमेंट्स आ रही थी, व्हाट्सएप पर भी मैसेज कर रहे थे कि सर आखिरकार ये एडवर्टीजमेंट कब आएगी। तो आप हो सकता है आज आ जाए या कल आ जाए, इस हफ्ते तो डेफिनेटली निश्चित तौर पे एडवर्टीजमेंट आपको देखने को मिलेगी ही मिलेगी। उसके बाद जो दूसरा सबसे बड़ा प्रश्न हमारे इस प्लेटफॉर्म पे आ रहा था कि अलाइड सर्विसेज की और एनटी की एडवर्टीजमेंट कब आएगी। देखिए, अलाइड सर्विसेज में जितना हमें अभी तक ज्ञात हो पाया है, अभी उसमें थोड़ा सा समय लग सकता है, लेकिन नायब तहसीलदार की एडवर्टीजमेंट आपको पहले देखने को मिल जाएगी। इसी के साथ में हम आपको यहाँ पे एक और बात से अपडेट करवा दें। इस बार देखिए, जो एचएस का प्रारंभिक परीक्षा का रिजल्ट था वो भी समय रहते ही निकाल दिया गया है, मेन का शेड्यूल जारी कर दिया गया है। तो ऐसा अनुमान लगाया जा सकता है, जो पिछला हमारी इलास्टली टीम का 8-10 वर्षों का अनुभव है विभिन्न तरह के कम्पिटेटिव एग्जाम में, कि दिसंबर के लास्ट वीक या जनवरी के फर्स्ट वीक में आपको एचएस की फ्रेश एडवर्टीजमेंट फिर से देखने को मिल सकती है। तो ये थी विभिन्न तरह के अपडेट। यदि आपको भी इस तरह का कोई अपडेट चाहिए तो आप कमेंट सेक्शन में अपना आप क्वेश्चन हमें पेस्ट कर सकते हैं। उसके ऊपर जितनी भी हमारे पास जानकारी होगी, यथासंभव प्रयास करेंगे आपको जानकारी आप तक पहुंचाई जाए। विशेष तौर पे इस वीडियो में आज बात करेंगे हिमाचल प्रदेश में विभिन्न तरह की कौन कौन सी नई नोटिफिकेशन जारी हुई है। तो पहली नोटिफिकेशन आज की जारी की गई है सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ हिमाचल प्रदेश के द्वारा। देखिए, इस नोटिफिकेशन में ये कहा गया है कि यदि आप पीएचडी करने के इंटरेस्टेड है तो आपको 9/11/2021 को, जब इस वीडियो को रिकॉर्ड किया जा रहा है तो आज 9 नवंबर 2021 है, महज आपके पास 10 दिन है, 19/11/2021 तक आपको आवेदन करना होगा। आवेदन करने के लिए जो वेबसाइट रहेगी www.cuhimachal.ac.in पर आपको अप्लाई करना है। देखिए, मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया यहाँ पे निर्धारित किया गया, आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे होंगे। सीरियल नंबर 1 से लेकर 8 तक के जितने भी है, इसमें से कोई एक चीज़ आपके पास होनी चाहिए। UGC नेट JRF क्वालिफाई हैं आप, या UGC CSIR नेट क्वालिफाइड है, ICAR नेट इंक्लूडिंग JRF है, स्लेट है, गेट है, या फिर टीचर फेलोशिप होल्डर है, एमफिल आपने किया है, या फिर आप हिमाचल प्रदेश केंद्रीय विश्वविद्यालय शोध पात्रता परीक्षा होती है वो आपने क्वालिफाई की गई हो। इस बार देखिए थोड़ा सा परिवर्तन किया गया है, 2 स्टेजेस में आपका एग्जामिनेशन रहेगा। पहले स्टेजेस में आपको एक एंट्रेंस टेस्ट देना है जिसमें आपको मिनिमम 50% मार्क्स स्कोर करने होंगे। यदि आप 50% मार्क्स स्कोर कर लेते हैं तो आप सेकंड फेज में जाएंगे, जहां पे देखिए आपको जो आपने ग्रेजुएशन की है, जितने आपके मार्क्स है उसका 10% वेटेज दी जाएगी। पीजी की आपको 30%, यदि आपने JRF क्वालिफाई किया है तो आपको एंट्रेंस देने की आवश्यकता नहीं है, सीधे 20 नंबर आपको यहाँ पर जुड़ जाएंगे। यदि आपने नेट सेट एमफिल या फिर कुछ और जो अन्य जितनी भी एलिजिबिलिटी के लिए क्राइटेरिया निर्धारित किया गया है वो किया है तो आपको फिर जो आप स्कोर करेंगे उसका 20% आपका वेटेज यहाँ पे जुड़ेगा। उसके बाद देखिए आपका जो नेक्स्ट प्रोसेस होगा, आपकी सब्जेक्ट की नॉलेज चेक की जाएगी, वर्बली 10 मार्क्स की रहेगी। कंसेप्ट नोट्स होगा टू बी प्रिपेयर्ड बाय द कैंडिडेट एंड इट्स प्रेजेंटेशन, एक प्रेजेंटेशन कैंडिडेट को तैयार करनी होगी, 10 मार्क्स की रहेगी। कम्युनिकेशन स्किल रहेगा, आपका कम्युनिकेशन स्किल भी जांचा जाएगा, 10 मार्क्स उसके रहेंगे। फिर आपका इंटरव्यू और वाइवा होगा जो कि 10 मार्क्स का रहेगा। तो कुल मिलाकर के आप यदि बात करेंगे तो ये 100 मार्क्स होंगे। इसी आधार पे आपको पीएचडी में सीट मिलेगी सेंट्रल यूनिवर्सिटी धर्मशाला में। किस संकाय में कितनी वैकेंसी निकली है तो आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। ये पूरी के पूरी इमेजेस आपको इलास्टडी टीम का जो टेलीग्राम ग्रुप है उसके ऊपर मिल जाएगी। सिंपली टेलीग्राम के ऊपर क्लिक कीजिए, वहाँ पे टाइप कीजिए इलास्टडी और आपको वहाँ पे सारी जानकारियाँ मिल जाएगी।
तो देखिए, जो आपका एग्जामिनेशन है 23 नवंबर 2021 को होगा। डेट ऑफ एंट्रेंस टेस्ट की बात करें 28 नवंबर 2021। डेट ऑफ डिक्लेरेशन ऑफ रिजल्ट आपका 2 दिसंबर 2021 को डिक्लेयर किया जाएगा। आइए बात करते हैं आज विभिन्न तरह के समाचार पत्रों में कंपेटिटिव एग्जाम के अभ्यर्थियों के लिए कौन कौन सी खबरें इंपॉर्टेंट हैं। सबसे पहले हिमाचल प्रदेश में जो 3 नए विधायक चुने गए हैं उनके द्वारा ये शपथ ग्रहण कर ली गई है। तो आप यहाँ पर देख रहे होंगे तीनों विधायक है। देखिए, फतेहपुर से कांग्रेस की विजय, तीनों सीटों से कांग्रेस की ही विजय हुई है। फतेहपुर की बात करें या फिर अर्की की बात करें या जुब्बल कोटखाई की बात करें, यहाँ जुब्बल कोटखाई से देखिए रोहित ठाकुर जी है और अर्की से अवस्थी जी है, और उसके बाद देखिए तीसरे यहाँ पर है पठानिया जी। ठीक है, तो तीनों नवनिर्वाचित विधायक बने, तो आपको तीनों के विधानसभा क्षेत्र याद रखने हैं, इनके नाम याद रखने हैं। और याद रखिएगा, हिमाचल प्रदेश में वर्तमान समय में 13वीं विधानसभा का गठन हुआ है, जिसके जो अध्यक्ष बनाया गया, जो वर्तमान में अध्यक्ष है, जिनके द्वारा विधानसभा के सदस्यों को शपथ दिलाई जाती है, उनका नाम है बिपिन सिंह परमार। ये फैक्ट भी आपके दिमाग में होना चाहिए। आगे बात करते हैं, नई शिक्षा नीति में आसान नहीं होगी शिक्षकों की प्रमोशन। देखिए, एक सबसे अच्छी बात तो ये है कि जिस तरह से आपका अभी तक टीजीटी के लिए टेट होता था, आगे आने वाले समय में यदि आप स्कूल लेक्चरर न्यू बनना चाहते हैं, जो डेजिग्नेशन दी गई है लेक्चरर स्कूल में लगते हैं, जिन्हें प्रवक्ता कहा जाता है, उसके लिए भी आपको टेट क्वालिफाई करना होगा। तो ये भी एक अच्छी बात है। यहाँ पर देखिए, टेट क्वालिफाई करने के बाद ही आपको जॉब मिलेगी। इस बार आपके पास विकल्प है, इस बार जो शिक्षकों की भर्ती आ रही है उसमें टेट का मैंडेटरी नहीं किया गया है, वो आपकी भर्ती निकल जाएगी, उसके बाद आपको टेट करना होगा, तभी आप आगे बढ़ सकते हैं। और देखिए, कल हिमाचल प्रदेश में सरकार के द्वारा इस एक अधिकारी को भी बदला गया है। कैबिनेट में काफ़ी चर्चा में रहे थे और उनका देखिए अभी तबादला कर दिया गया है। तो विभिन्न तरह की महत्वपूर्ण खबरें हमारी टीम के द्वारा आपको नियमित रूप से पहुंचाई जा रही है, तो आप भी पढ़ते रहिएगा। पढ़ने के लिए आपके पास अच्छी किताबें होनी चाहिए। आज 9 नवंबर 2021 और हिमाचल प्रदेश के बहुत से जिलों में आज से पुलिस भर्ती के फिजिकली ग्राउंड की प्रक्रिया भी शुरू हो रही है। आपको हमारी टीम की तरफ से बहुत बहुत बधाइयाँ। जब भी आपका ग्राउंड हो जाए तो आपके हाथ में इलास्ट्री टीम की पुलिस कांस्टेबल की किताब होनी चाहिए, बहुत ही बेहतरीन किताब है। एक बार आप मार्केट में जाकर कैशियर व्यू कर सकते हैं। विभिन्न तरह की अन्य बहुउपयोगी किताबों के लिए विजिट कीजिए इलास्ट्री.co.in वेबसाइट को। थैंक यू वेरी मच। कीप वॉचिंग इलास्ट्री यूट्यूब चैनल।